नमस्कार प्रियामदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है अपने उस बाड़े में हैं जिस बाड़े में इस समय जो ट्रांजिशन जिन गायों पे फीड हम लोग चला रहे हैं वो गायें हैं। राणा गाय दिखाओ, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट में रहता है कि गाय दिखाते हुए बात कीजिए। आप बात कीजिए लेकिन गाय दिखाते हुए बात कीजिए, मतलब आप अपना चेहरा कम दिखाइए, गाय को ज़्यादा दिखाइए। तो गाय को ही दिखाओ। तो ये अभी अपनी 4 गायें हैं, ये 17 नंबर है जिसमें 40-120 का सीमन पड़ा हुआ है और ये थोड़ा लात मारती है, तो अभी हम इसको टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका लात मारने का हैबिट है। और अपने से लात क्यों खाना जब गाय जो है लात चलाती है ये आप जानते हैं, इसलिए हम उसको नहीं छू रहे हैं। बाकी ये अपनी 15 नंबर है जो कि लास्ट ईयर 38 लीटर दूध की थी और उसके साथ ये साहिवाल है। इन सारी गायों का प्रेगनेंसी जो है, मतलब बच्चा देने की जो तारीख है वो 28 अगस्त है इस महीने का। और अब ये सारी रेडी हो गई हैं, सब अपना पूठा ढीला करना चालू कर दी हैं। और देखिए सारी गाय को आप जब देखेंगे तो कोई भी गाय हमारी एक्स्ट्रा एक्सेस मोटी नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पूरा हम चर्बी चढ़ा दिए। तो हम लोग माँ डेयरी का जो भी फीड बनवा के खिलाते हैं ट्रांजिशन का या ये, तो वो इस तरीके के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे होता है कि उससे गाय का ओवरऑल ग्रोथ ठीक ठाक रहे, उसको जो ज़रूरी है वो हो, ना कि वो इस तरीके से प्रोग्रेस करे कि बस उस पर फैट जमा हो रहा हो। तो फैट भी नहीं जमा करना है और गाय को स्वस्थ रखते हुए ब्यवाना है, बियाना है। देखिए आप इसका भी हल्का हल्का ढीला होना शुरू हो गया है आज, जबकि 12-13 तारीख ही हो रहा है, तो अभी टाइम है इन लोगों में। ऐसा नहीं है कि अभी ब्याएंगी सब, 10-12 दिन 13 दिन 15 दिन लेके ब्याएंगी, लेकिन आप जब देखेंगे तो ज्वाइंट इन लोग का देखिएगा, ज्वाइंट लूज होना शुरू हो चुका होता है। ये देख रहे हैं ज्वाइंट में गैप आ रहा है, यही गैप उसके बाद यहाँ थन में जो है ये पूरा जब गैप भर जाएगा तब ये बच्चा देने के लिए रेडी होगी, जबकि जो कि मतलब अभी कम से कम 12-15 दिन तो लेगी ही लेगी, उससे पहले ये सब अपना बच्चा तो नहीं दे रही है। तो इन लोग को जो है हम लोग न्यूट्रिशन में नमक और हरा चारा बंद कर देते हैं। हरा चारा इसलिए बंद कर देते हैं कि हरा चारा से गायों को पोटेशियम मिलता है और उससे जो है अडर एडिमा होने का खतरा होता है, और अडर एडिमा से में मतलब कि आपके थन में पानी उतरने की समस्या होती है और वो फिर एक अलग समस्या न क्रिएट करे, इसलिए हम लोग अडर एडिमा से बचाने के लिए हरा चारा गायों को बंद कर देते हैं, साइलेज देते हैं। गाय वैसे भी जब प्रेगनेंसी में होती है तो थोड़ा कम खाना खाती है, तो ये जो गाय हैं इन सबको हम लोग 13-14 किलो साइलेज, 3-4 किलो भूसा और 4 से 4.5 किलो जो है ट्रांजिशन फीड खिला रहे हैं। वहीं बात करें साहिवाल का, तो साहिवाल को साइलेज भी थोड़ा कम देते हैं हम लोग और जो दाना है वो भी इसको 2 किलो के ही करीब हम लोग देते हैं, उतने की ज़रूरत ही, उतने ही में ये मेंटेन होती है। अगर उससे ज़्यादा जब देने लगते हैं तो थोड़ा फैट वगैरह बढ़ने लगता है, इसलिए हम लोग उतने पे इसको रोक देते हैं। तो अगर आप इस गाय को हमारी पंद्रह नंबर को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इतना शानदार बहुत बढ़िया तैयार हुई है। और हम लोग इस बार भी इससे उम्मीद कर रहे हैं कि 38-40 लीटर के करीब दूध हम लोग के यहाँ करेगी, और इसके पेट में जो है बच्चा भी अभी खूब स्वस्थ है और खूब बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। गाय बहुत बढ़िया से खा रही है, पी रही है, सारा कुछ मेंटेन किए हुई है। इन लोग को एनर्जी ड्रिंक भी दिया जा रहा है और थोड़ा बहुत जो है रेस्ट्रोबॉल दिया जा रहा है ताकि शारीरिक रूप से जो है इन लोग गर्मी को सहन करना बनाए रखें। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जितनी भी ट्रांजिशन की गाय होती है उसको अलग करके हर बार मेंटेन करते हैं। कभी भी हम लोग ये नहीं करते हैं कि ट्रांजिशन वाली गाय को नॉर्मल गायों के साथ खिलाते हैं। अगर ट्रांजिशन वाली गाय को नॉर्मल गाय के साथ खिलाइएगा तो आप कितना भी बचा लीजिए वो ट्रांजिशन के साथ साथ नॉर्मल फीड भी खाएगी, नमक भी उसके शरीर में जाएगा और नमक जाने के केस में आपका अडर एडिमा हो सकता है और गाय को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इन गायों को अलग करके खिलाया जाए। अभी हम लोग जो नया सेट बनाने की बात कर रहे हैं अगस्त सितंबर में, वो जब सेट बन जाएगा तो अभी जो हम लोग बछिया रखते हैं वो हमारा ट्रांजिशन पीरियड का एरिया बन जाएगा और वहाँ पे हम लोग गाय को जो है
इस समय मतलब ये आपका जब ट्रांजिशन का 25-30 दिन बचेगा तो वहाँ पे ले जाके उन लोग को न्यूट्रिशन से खिलाएंगे अच्छे से, क्योंकि वो सामने हमारे आँख के रहेगी। यहाँ थोड़ा क्या है कि ये साइड वाला एरिया है और वो सीधे जहाँ पे हमारे बाकी सब लोग राणा जी लोग रहते हैं वहाँ उनके आँख के सामने रहेगा। अगर कोई तकलीफ हुई रात को भी ये लोग जगेंगे तो एक बार नज़र मार सकते हैं कि गायों का क्या सिचुएशन है, कैसी चल रही हैं। तो वो उनको रक्षात्मक रूप से वहाँ रखा जाएगा तो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही बात है, इसी तरीके से हम लोग के यहाँ ट्रांजिशन हम लोग करते हैं और ट्रांजिशन के बाद फिर गाय को 90 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट करने के लिए तैयार भी करते हैं। तो इन सारी तैयारियों को हम लोग इस तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी अच्छी हो, मतलब मैक्सिमम गायों को हम लोग अपने यहाँ प्रेग्नेंट करवा लें समय रहते। लेट करने से क्या होता है कि जितनी गाय लेट प्रेग्नेंट होती है उतना ही आपको दूध का लॉस हो जाता है। तो इसलिए गाय को जो है मतलब साल भर, 1 साल 1 महीने के अंदर में गाय को दोबारा बच्चा देने के लिए आपको रेडी करना ही होगा, तभी आपका डेयरी 35 रुपये भी दूध बेच के फायदे में रहेगा और 40 रुपये दूध बेच के भी फायदे में रहेगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है डेयरी के बिजनेस में प्रॉफिट कमा पाना। अगर आपकी गाय लेट हो रही है प्रेग्नेंट होने में तो आप समस्याओं से जूझते रहेंगे। तो यही है कि गाय के नेक्स्ट प्रेगनेंसी की तैयारी गाय के ब्याने से पहले से कीजिए, ताकि जब गाय ब्याए तो उसके बाद उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना आपके लिए आसान हो। तो यही सारी बातें थी इस वीडियो में। ट्रांजिशन के ऊपर हमने बात किया, कैसे हम लोग ट्रांजिशन में सभी गाय को अलग करके खिलाते हैं, हम लोग हरा चारा क्यों नहीं देते हैं ट्रांजिशन वाली गायों को, या जो ट्रांजिशन फीड होता है उसमें नमक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये सारा रीज़न हमने बताया आपको कि अडर एडिमा और ये सब तरीके की कोई समस्या न डेवलप हो इसके लिए हम लोग नमक को रोक देते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेशनल मैसेज मिला होगा। और मेरे चैनल को इसी तरीके से आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।